फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आपके सामने इस वक्त मैं आपको बताने वाला हूँ फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा प्रजनन तंत्र हम लोग के बारे में पढ़ेंगे, मानव में मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रजनन तंत्र में यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके अंदर कौन कौन ऑर्गन होते हैं, किस तरीके से सहायक होते हैं, है ना, आपको इम्प्लांटेशन किस तरीके से होता है, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। आप हमारे वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, हमें आपसे ये रिक्वेस्ट है, और बेल बटन ज़रूर बजाएं, है ना, जो सब्सक्राइब के पास है, ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशंस पहुंचती रहेगी। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको चार चीज़ से मिलकर के बना है, यानी कि इसमें मिलकर के बना नहीं है, इसमें कंसिस्टिंग जो है पार्ट है, चार पार्ट है, यानी कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और तीसरा एक्सटर्नल फीमेल जिनिटेलिया है, और चौथा आपको मैमरी ग्लैंड है। यानी कि इसमें प्राथमिक जनन अंग है, द्वितीय जनन अंग है, आपको जो बाहरी है जो जननीय भाग है, और आपको स्तन ग्रंथि इसमें शामिल हैं। बात कुछ इस प्रकार की है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि जो आपको ऑर्गन क्या करते हैं, यानी कि अंग गैमेटोजेनेसिस करते हैं, यानी कि गैमेट बनाते हैं थे, वहाँ पर स्पर्म बनाते थे और हार्मोन सेक्रेशन करते थे यानी कि टेस्टिस, तो उन्हें हम किस में रखते थे, डैट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखते थे। यहाँ पर आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल जो होगा आपको क्या होगा, डैट इज ये आपको होगा ओवरी। क्या होगा? ओवरी, यानी कि जो अंडाशय है ये आपको किसके ऐसा वर्क करेगा, डैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ड्यू टू ये क्या करेंगे, गैमेट भी बनाएंगे, यानी कि गैमेटोजेनेसिस परफॉर्म करेगा, ये गैमेटोजेनेसिस के कारण आपको ओवम का निर्माण करेगा। ओके, तो देखते हैं, और साथ ही साथ हार्मोन को सिक्रीट भी करता है। ओवम एक ऐसा गोनेड से हमारे शरीर में जो क्या क्या निकालता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है, इसीलिए हम अंडाशय को यानी कि ओवरी को क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। एक बात है, जैसे कुछ कुछ अंतर होते हैं, जैसे एग और ओवम में क्या अंतर है, जब इम्ब्रियो अगर शरीर के अंदर अगर बनती है ना, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको किसी शरीर के अंदर होता है, तो जो जब निकला होगा सेल, तो वैसे ओटिड को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वैसे को हम लोग उभम के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट शरीर के बाहर होता है तो एग कहते हैं। एग और ओभम में यही अंतर है। ओके, तो ओवरी के थ्रू आपको ओवरी से निकल करके बन करके बाहर आएगा सेकेंडरी ओसाइट, और फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, डैट इज फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगा। ओके, आपको वहीं पर इंटरचेंज हो जाएगी सेकेंडरी ओसाइट आपको एक से, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद आगे की ओर एक सप्ताह के बाद इम्प्लांटेशन होगा। ओके, तो ये जो ओवरी है डैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग देखते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शंस इनमें होते हैं, लेकिन आपको जो गैमेटोजेनेसिस का फंक्शंस है, हार्मोन सेक्रेशंस का फंक्शंस है, इसमें नहीं होता है। ओके, जैसे आपको इसमें जो एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे जैसे आपको फैलोपियन ट्यूब आपको फैलोपियन ट्यूब जो है ओपन होगा यूटेरस में, यूटेरस के बाद आपको क्या होगा, आपको सर्विक्स होगा, सर्विक्स के बाद क्या होगा, फीमेल वजाइना होगा, और ग्लैंड जो होते हैं, जैसे कि हमने मेल में भी देखा था एसोसिएटेड ग्लैंड थे, है ना, तो इसमें भी एसोसिएटेड ग्लैंड होंगे, आपको एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन सा ग्लैंड, यहाँ पर
बर्थोलियन ग्लैंड के नाम से जानेंगे। वहाँ पर मेल में हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते थे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को दूसरी नाम से कॉपर ग्लैंड भी कहा जाता था। यहाँ पर एसोसिएटेड ग्लैंड के रूप में आपको दो वेस्टिबुलर ग्लैंड रहेंगे, पढ़ने को है दो वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेकिन एक्चुअली लोग नाम लेते हैं एक ही की, आपको जो है आपको बर्थोलियन ग्लैंड की। एक लेजर होता है, एक लार्जर होता है। एक पैरा यूरेथ्रल होता है जो यूरेथ्रा के पास होता है, दूसरा बर्थोलियन ग्लैंड जो वेजाइना में होता है। ओके, तुम लोग देखेंगे तीसरा है एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, यानी कि ये शरीर के बाहर का भाग है जो आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, फीमेल एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया को क्या कहा जाता है, आपको दूसरी नाम से इसे भालवा भी कहा जाता है। क्या पुकारा जाता है? वल्वा भी पुकारा जाता है। इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर हमारे जो एब्डोमिनल रीजन है उसके नीचे, फीमेल में आपको प्यूबिक रीजन में मॉन्स प्यूबिस होगा, काफ़ी गद्देदार नुमा संरचना। उसके फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों थाई के बीच में आपको प्रेजेंट्स होंगे। ओके, डैट इज आपको मस्कुलर फोल्डिंग होगा, उसे हम लोग लैबिया मैजोरा कहेंगे, है ना, जो बड़े आपको शेप में होंगे लैबिया मैनोरा के अपेक्षा। उसके बाद उसके नीचे दो फोल्डेड स्ट्रक्चर रहेंगे लैबिया मैनोरा, जिसमें आपको वेजाइना, हाइमेन, है ना, और आपको उसके ऊपर आपको क्या रहेगा, यूरेथ्रा रहेगा और क्लैटोरिस, और क्लैटोरिस का प्रीप्यूस प्रेजेंट होगा। ओके, तो वल्वा जो है, वल्वा अगर देखा जाए तो वल्वा में बहुत सारे हैं। जैसे इसमें जो एग्जांपल हैं वल्वा में कौन कौन है देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे मोंस प्यूबिस के बारे में, लैबिया मैजोरा के बारे में पढ़ेंगे, फोल्डिंग सब्सटेंस है, फोल्डिंग मस्कुलर रीजन है। उसके बाद लैबिया माइनोरा के बारे में, उसके बाद हम लोग क्लाइटोरिस के बारे में, उसके बाद फीमेल वेजाइना के बारे में। वेजाइना इसमें नहीं आती है, है ना। ओके, क्लाइटोरिस और हाइमेन के बारे में क्या पढ़ेंगे, हाइमेन के बारे में। उसके बाद फोर्थ नंबर है एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग कहते हैं दूसरे नाम से पुकारते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट कहते हैं, WREAST होता है। ओके, क्या कहते हैं? ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। आपको थोरैसिक रीजन फीमेल में, जैसे हम लोगों में मेल में चेस्ट होता है तो उसी तरीके से फीमेल में ब्रेस्ट होता है। ओके, कि छाती को क्या कहा जाता है, ब्रेस्ट कहा जाता है। ये जो रीजन होता है कहाँ पर पाए जाते हैं, थोरैसिक रीजन के पास पाए जाते हैं। तो इसके इनसाइड आपको मिल्क बनता है, आपको अल्वियोलस के अल्वियोलस में पेरिफेरल दीवारों में साइनसिस में आकर के आते हैं। बहुत सारे ग्लैंडुलर आपको पार्ट पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे डट के थ्रू मिल करके एम्पुला के थ्रू आपको लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू आपको निपल्स के थ्रू आपको मिल्क फीडिंग करने में आपको क्या करते हैं, हेल्पफुल प्रोवाइड करते हैं। लैक्टेशन प्रक्रिया में काफ़ी क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, है ना। हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, स्तन ग्रंथि के नाम से पुकारते हैं। लेट्स, अब हम लोग, ये मैंने इंट्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में बताया कि फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने चीज़ जो है आपको शामिल है, कंसिस्टिंग है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया या वल्वा, या चौथा मेमोरी ग्लैंड जिसे हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं। ओके, जो आपको लैक्टेशन में मदद करते हैं। कितने नंबर में होते हैं? दो नंबर में होते हैं। ओके, अब हम जनरली क्या करना चाहते हैं, डायग्राम बनाना चाहते हैं फीमेल
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना चाहते हैं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसका जो एनाटॉमिकल फंक्शंस हम लोग फिजियोलॉजिकल देखेंगे, यानी शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया है किस तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण, एक के पहले का फेज जो होता है उसको सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। तो जो सेकेंडरी यानी कि जो ओस्टीड है, अगर देखा जाए तो सेकेंडरी ओसाइट यानी कि जो बना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनता है, मासिक चक्र के दौरान बनता है। 14 दिन के अंतराल में क्या करता है, ओवुलेशन प्रोसेस होती है। आपको क्या होता है, ओवरी से, एक ओवरी से आप जानते हो कि एक समय में एक ही ओवरी वर्क करती है, या तो लेफ्ट का या तो राइट का, एक मंथ में एक ही, या तो राइट या तो लेफ्ट, इस मंथ राइट तो अगले मंथ लेफ्ट, फिर इस तरीके से अल्टरनेटिवली वर्क करता है। ओके, अगर एक ओवरी को काट दिया जाए तो दूसरा जो बचा, एक ही मात्रा ओवरी बचा, उसे रेगुलर मंथ आपको क्या होगा, उभम बनने लगेगा। ऐसा नहीं कि उसमें एक महीना क्या होगा गैप होगा, ऐसा नहीं है, रेगुलर होगा। और उसे भी कट कर दिया जाए तो आपको जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, ओवम बनना क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। पूरे एक, अगर महिलाओं के अगर हम पूरे जीवन की बात करें, पूरे लाइफ की बात करें, है ना, तो प्यूबर्टी के बाद आपको लगभग अबाउट मेनार्च तक, यानी कि मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज तक, ओके, आपको लगभग 400 से लेकर के 450 आपको क्या, एक फॉर्मेशन होते हैं। ओके, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट आपको ओवरी बना करके बाहर निकालता है। ये सब जनरली अभी लग रहा होगा कि संख्या आप बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कैजुअली कंसेप्चुअल समझ के अनुसार आपको आने लगेगी। जैसे आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जैसे ही मैं डायग्राम अगर बनाना चाहता हूँ तो जैसे ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये यूटेरस का भाग जो होता है काफ़ी क्या होता है, आपको गद्देदार भाग होता है, इसे फंडस कहा जाता है। और फंडस क्या होता है, इस तरीके से जहाँ पर इम्प्लांटेशन वगैरह होता है वहाँ पर यूटराइन ग्लैंड वगैरह पाई जाती है। देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर को ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है। ये जो आपका यूटेरस है, मैंने ये आपका यूटेरस बनाया एक तरफ, ओके, इस तरीके से लिगामेंट होगा। ये यूटेरस है, यूटेरस का लेयर है, तीन लेयर है। इसी तरीके से इधर भी हम, मैं फिगर बनाता हूँ,
इस तरीके से मैंने कैजुअली डायग्राम बनाया, हमें ब्लैक से खींचनी थी। ये इस तरीके से देखिए पिक्टोरियल बन करके तैयार हो गया। ध्यान से सुनेंगे किस तरीके से लेबलिंग करते हैं, यानी कि नाम जो लिखते हैं ध्यान देंगे। जैसे ये जो हिस्सा है ये आपका क्या है, ये आपको लिगामेंट है, ये ओवरी का लेयर है, ये आपका यूटेरस है। क्या है आपका यूटेरस है, UTERUS है। ये यूटेरस का लेयर है, तीन लेयर है। ये बाहरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच के लेयर को क्या कहते हैं, जो मांसल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। पेरिटोनियम में आपको, पेरिमेट्रियम में पेरिटोनियम पाए जाते हैं। ये आपको जो लेयर है ये आपको क्या है, दैट इज इंडो मेट्रियम हुआ। और इस तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, यूटेराइन लेयर के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, इस लिगामेंट को एक लिगामेंट भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाएगा, ओवेरियन लिगामेंट भी कहा जाएगा। एक इस इधर से आपको क्या होगा, एक लिगामेंट होगा, काफ़ी ब्रॉड होगा, इधर मेसोर्सियम रहेगा, है ना। इस लिगामेंट को क्या कहा जाएगा आपको, दैट इज ब्रॉड लिगामेंट के नाम से पुकारेंगे। ओके, दैट इज ब्रॉड लिगामेंट। ये आपका क्या है जी, ये आपका ओवरी है। ओवरी जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई है, अंगुली नुमा संरचना है। अंगुली नुमा संरचना के बाद आप देखिए तो जनरली जहाँ पर कलेक्ट होता है, यानी कि इस भाग को क्या कहा जाएगा, इनफंडिबुलम कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो हिस्सा है आपको एम्पुला हुआ, ये जो हिस्सा हुआ इस्थमस हुआ, और ये है आपका यूटेराइन
पार्ट हुआ। इसे मिलाकर के क्या कहेंगे, ओविडक्ट के नाम से जानते हैं, ओविडक्ट भी कह सकते हैं, या तो हम लोग क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब भी कहेंगे। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीजन काफ़ी कसन होता है, जिसे फंडस कहा जाता है। किन्हीं किन्हीं बुक में आपको यूटेराइन फंडस भी लिखा रहेगा। ओके, इधर से भी है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, ओके। फिर ये यूटेरस हुआ, ये तो फैलोपियन ट्यूब यूटेरस की ओर आए। अब ये देखिए काफ़ी पतली नुमा संरचना स्टार्ट हुआ अंदर की ओर, अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है, अंदर वाले को इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल ऑस से हो गया ओसोरियम। जब ये वजाइना की तरफ बाहर निकलता है तो इसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ओसोरियम। दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं सर्विक्स नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़िए। सर्विक्स आगे एक्सटेंड होकर के इस भाग को हम लोग वजाइना कहते हैं, क्या कहा जाता है, वजाइना कहा जाता है, फीमेल वजाइना। चलिए यहाँ पर लेबलिंग नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को एक नाम दिया जाता है, बर्थोलियन ग्लैंड कहा जाता है। ये वजाइनल जो पार्ट हैं, ये बाहर की ओर झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उसे हाइमेन कहा जाता है। अंदर की ओर देखेंगे इस पार्ट को, सर्विक्स के पार्ट को, ये तो क्या है, टेट मस्कुलर रीजन फोल्डेड है। इस रीजन को फॉर्निक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फॉर्निक्स कहा जाता है। तो ये आपका बनकर के तैयार हुआ, डैट इज़ ये जो पार्ट है। अगर यूटेरस का भी पार्ट देखें तो यूटेरस एक फंडस रीजन होता है, इसे कॉर्नू रीजन कहते हैं, इसे बॉडी रीजन कहते हैं, और ये सर्विक्स रीजन कहते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं, कोने वाले रीजन को क्या कहा जाता है, कॉर्नुआ कहा जाता है। ओके, इसे बॉडी कहा जाता है इस भाग को, और इस भाग को सर्विक्स कहा जाता है। चार भाग से मिलकर के बने होते हैं। तो ये डायग्राम है, डायग्राम जब भी बना लेते हैं तो लिखते हैं डायग्राम ऑफ फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ ताकि आप लोग को इजीली तरीके से समझ में आए, है ना। तो यहाँ तक मैंने डायग्राम किस तरीके से मैंने खींचा ये मैंने बताया। अगले भाग में आप, इस भाग में आपने ये वीडियो देखा, अगले भाग में आप देखेंगे किस तरीके से आपको अंडाशय से आपको सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलते हैं और फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। तो देखने के लिए आप हमारे वीडियोस को वॉच करते रहें और हमेशा बने रहें
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।